हाल ही में करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी की 550 प्रकाश पर्व से दर्शन कर वापस आए श्री गुरु नानक देव के वंशज बाबा सर्वजीत सिंह बेदी ने ऊना में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मीडिया को वहां के बारे में बताया और उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर को लंबे समय तक खुले रखने की मांग की है। हाल ही में करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान में गुरु नानक देव की 550 प्रकाश पर्व से दर्शन कर वापस आए गुरु नानक देव के वंशज बाबा सर्वजीत सिंह बेदी ने ऊना में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मीडिया को वहां के बारे में बताया और उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर को लंबे समय तक खुले रहने की भी मांग की है ताकि भारत के लोग वहां आराम से जाकर दर्शन कर सकें, जिसके लिए उन्होंने सरकार से इसके लिए विशेष प्रयत्न किए जाने की मांग की। वहीं बाबा सर्वजोत सिंह बेदी ने प्रदेश में पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग भी की, क्योंकि 24 तारीख को मुख्यमंत्री खुद ऊना टूर पर आ रहे हैं। बेदी की माने तो दिल्ली और कनाडा में इसको दूसरी भाषा का दर्जा दिया जा चुका है और हिमाचल प्रदेश में भी काफी जिलों में पंजाबी भाषा बोली जाती है और इसलिए काफी समय में हम इसको हिमाचल में दूसरी भाषा का दर्जा दिए जाने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं बाबा बेदी ने कश्मीर समस्या को अंग्रेजों की देन बताया। कुछ ऐसी उम्मीद नहीं करते कि खुलिया कारण सदा रहेगा और आपसी भाईचारा आपसी प्रेम प्यार साडा बनेगा और मैनु लगता है कि साडी दोनों सरकारां चाहे पाकिस्तान दी है चाहे हिंदुस्तान दी सरकार है वो इस चीज़ का हल कढ़ने लई सार्थक रूप अदा करनगे और असीं उम्मीद भी करदे हां क्योंकि मोदी जी का उत्थे आ के लांघा खोलना और जो प्यार का संदेश देना सारे दोनों मुल्कां नूं कश्मीर का जिहड़ा मसला जरूर है तो कश्मीर का मसला भी समझ रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इहदा हल निकल जाएगा क्योंकि तो जिहड़ी बीमारियां सानूं पाईआं ने साडी जिहड़ी अंग्रेज सरकार है जांदी जांदी सानूं इह लड़ाई इह साडी झोली 'च लड़ाई पा गई जो असीं अज तक लड़ रहे हैं पर सिर जोड़न वास्ते दोनों मुल्कों लिए यह सार्थक हो सकता है। आर्थिक तौर पर पाकिस्तान की हालात भी काफ़ी माड़े ने इस वेले करतारपुर साहब का कॉरिडोर खुलना है ये साड़ी सदियां से इन जोड़िए हैं अध्यात्मिकता के नाम कि 70 साल हो गए सानू दो वेले अरदास करते हैं कि साढ़े पिछड़े हुए स्थानों के दर्शन दरारे हो असी यह सोच के करतारपुर साहब का जो ये घटना वापरी है इस तो समझते हैं कि ये साड़ी कीती हुई अरदास की प्रवानगी की शुरुआत है तो उम्मीद असं यही करते हैं कि दोनों मुल्कों के आपसी जो रिश्ते हैं जब तक कि सुधरते नहीं तो ये जो कार्य है शायद सार्थक ना हो सकन पर उम्मीद करांगे कि गुरु नानक साहब जो कि साढ़े जाहर पीर जगत गुरु बाबा गुरु नानक है और मैं समझता गुरु नानक साहब आप दोवों मुल्कों के विच आप वरते हैं और दोवों के अंदर भावना पैदा की है ताकि ये जो आपसी प्यार का वातावरण है